इतना प्यार है कि आज उसका मतलब कि नाम तक मेरे छाते पे लिखा हुआ है, वो भी कि जब तक शरीर रहेगा तब तक उसका नाम रहेगा। लेकिन जब से मेरिट लिस्ट आया ना, उस दिन से पहचानती तक नहीं है हाँ कौन है कहाँ है। नशा निभा दे, जॉब का जो भी पेमेंट हो, अगर चाहती हो कि हम पूरा दिन अपने फैमिली को ही दे तो वो भी कर सकती है। और हम हमेशा तैयार है लिखने के लिए, तो लिखने के लिए भी मतलब स्टाम्प पे साइन की थी। उसके बाद का जो कि 6 दिन बाद ये खुद रो के मेरे पास आई और मिलने के लिए बुलाई। और जब हम दौड़ उसका करा के रिटर्न आए तो वैसे ही हमको पता चला कि मेरी मम्मी डेट कर गई। अभी हमारे साथ इस फ्रेम में लक्ष्मण कुमार खड़े हैं, जो कि घोघा से चल के यहाँ तक आए हैं अपनी दुख भरी कहानी को सुनाने के लिए। इनके साथ जो हुआ है आप भी अगर सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि जो इनके साथ हुआ है शायद किसी और के साथ हो तो सह नहीं पाएगा। इनके जिंदगी में एक लड़की थी जो गर्लफ्रेंड थी पहले, ये जो उनको उसके लिए हर कुछ किए, दौड़ उसके जॉब के लिए दौड़ में गए, बिहार पुलिस का फॉर्म भरना वहाँ गए, मेडिकल गए, जहाँ तक कि इनकी माँ मर गई उस गर्लफ्रेंड की जॉब के लिए, माँ का मुंह तक नहीं देख पाए। इतना मान के चलिए कि डेली क्लास करना होता था तो ऑटो से पहुंचाने जाते थे, सुबह के 4 बजे डेली रनिंग करवाने जाते थे। और आज इनके साथ जो हुआ है आप भी देखकर चौंक जाएंगे। इनके ही मुंह से हम सुनना चाहते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है। भैया ये बताइए, शुरू से बताइए आपके आपके साथ क्या हुआ है। वो मेरे साथ 2016 से है। नाम क्या है उसका? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी, घर है उसका घोघा ही पन्नूचक, मेरे घर से 2-2.5 किलोमीटर दूर। तो वह मेरे साथ थी और हमेशा मतलब मेरे साथ रहने के लिए तैयार रहती थी। जब से उसका जॉब हुआ है वो आज हमको पहचानने तक के लिए तैयार नहीं है। मेरी जब मम्मी मतलब पूरा तबीयत खराब भी था उस समय में, उसका मतलब कि दौर था, तो उसके दौर के लिए हमको बोली तो हम गए अपने मम्मी को हॉस्पिटल में छोड़ करके। और जब हम दौर उसका करा के रिटर्न आए तो वैसे ही हमको पता चला कि मेरी मम्मी डेट कर गई। उसके बाद जब मतलब कि लास्ट घर में श्राद्ध था मम्मी का, तो उस दिन वो बोली कि हम आपके पास जाएंगे। उस दिन आई हम, और प्लस में वो बोल के आई थी कि हम जाएंगे तो आपके यहाँ से आएंगे नहीं, आपके यहाँ आपके साथ ही रहेंगे। तो उस दिन से हम दोनों अपने घर में मतलब कि रहने लगे, मतलब शादी करके, मतलब सर्व सहमति से। हाँ, लड़की भी अपने सहमति से, हाँ, आप भी अपने सहमति से, हाँ, आपके घर जाने के लिए रेडी हो गई। और पूछा भी गया था उस दिन, उसका फैमिली भी गया था, वो सबको बोल दी थी कि हम रहेंगे तो आज से यहीं रहेंगे। उसके बाद उसको हम अपने, वो अपने घर पे गई, उसको हम खुद पहुँचाए। उसके बाद यह जॉब उब का सिलसिला चलने लगा तो हम खुद सपोर्ट करते थे, हमेशा सपोर्ट करते थे। और उसके जॉब के पीछे आपका क्या योगदान रहा वो बताइए। बहुत सारा, हम दूसरे से पैसा ले लेके सूद पे भी, हाँ, हम उसको दिए हैं, उसके हाथ में दिए हैं, वो भी जानती है, प्लस में जिससे लिए हैं वो भी जानता है कि हम पैसा ले लेके किसको देते थे और क्या करते थे। और हम आज से नहीं मतलब कि एनी टाइम जब से हम अपने पैर पे हुए सब तब से कमा रहे हैं। और बहुत कुछ किए हैं उसके लिए, उसका आत्मा जानता होगा कि हम उसके लिए क्या नहीं किए होंगे। घर में वो एक समय था कि 10-10 रुपया के लिए मुमताज थी, तो हम A to Z उसका सपोर्ट करते थे। और उसके आज से नहीं 2016 से ही मेरे साथ है, आज 2022 है। इतना दिन में जितना भी कुछ होता था ना, मेरा जो भी औकात है हम उससे उसके अनुसार से हर चीज़ करते थे उसके लिए। हॉस्पिटल खर्च भी आप ही उठाते थे, खाना का खर्च आप भी उठाते थे? मतलब खर्च खाना का नहीं, बट बाहरी खर्च जितना भी हो, घर का खाने का खर्च का तो हम नहीं बोलेंगे, बट बाहर का खर्च जितना भी हो A to Z हम दिए हैं। पढ़ाई लिखाई का खर्च आप उठाते थे? हाँ, बाहर का A to Z हम देते थे। और वो जब जब बोलते थे अभी भी मेरे फोन पे, क्लास 10th क्लास 12th ग्रेजुएशन सब आप करवाए? 10th के बाद। हाँ, इंटर से वो मेरे साथ है, 10th के पहले हम उसको नहीं जानते थे ना ही वो हमको जानते थे। तो इतना सब कुछ करवाने के बाद जॉब में क्या क्या आपका योगदान रहा जॉब करवाने में? तो हम उसका मतलब कि ग्राउंड पे उसको 3 बजे भोर में अपने घर से आके लेके जाते थे, डेली का डेली ग्राउंड जाते थे। प्लस में उसका एग्जाम हो तो एग्जाम दिलाने हम गए हैं, दौड़ कराने हम जाते थे, हर चीज़ कराने हम गए हैं उसके साथ। फॉर्म भी एगो खरीदती थी मतलब कि, या जीरोक्स भी कराए वो किसी दुकान में, तो मेरे बदौलत कराते थे। और प्लस में मेरे घर से उसका घर 3 किलोमीटर है, बट मेरा जो घोघा स्टेशन है वहाँ से के उसके घर तक किसी भी दुकान में वो कहीं भी कुछ ले ले वो पैसा नहीं भी देगी, सिर्फ मेरा नाम बोलेगी तो उसको सामान मिलता था A to Z, चाहे उसको कुछ भी चाहिए घोघा में तो मेरे नाम से ले लेती थी। देख लीजिए ओवरऑल जो स्टोरी है, स्टोरी यही है कि ये जो है 2016 से उस लड़की के साथ थे, उससे इनका मम्मी रोती थी मेरे पास कि उस लड़की से शादी मत कर, मेरी मम्मी रोती थी, मेरी दादी रोती थी। कल तक मेरा पप्पा मेरे पास रोया है, कल का बात बोलते हैं, कल तक मेरा पप्पा रोया है सिर्फ उसी लड़की के लिए।
देख लीजिए जो स्टोरी ये है कि स्टोरी में वो लड़की के साथ 2016 से ये थे और जेन्युइनली थे क्योंकि इनका आंखों में वो चीज नजर आता है, ठीक है। लेकिन वो लड़की क्या की, जैसे ही बिहार पुलिस 2022 में बनी, दूसरे दिन से इनको पहचानने से इनकार कर दी। इनके साथ शादी भी की बाकायदा, फैमिली के साथ साथ में फोटो भी हमने देखा, तब ये कवरेज हम कर रहे हैं। ये कवरेज बहुत ही करना जरूरी है। अगर कोई लड़का इतने शिद्दत से अगर किसी लड़की को प्यार करता है और उसके उसके मुकाम तक उसको पहुंचाता है, उसका जॉब लग जाता है, इसके बाद शादी उससे पहले हो चुका था, अब फिर रहने के लिए लड़की रेडी नहीं होती है और अपने घर चले जाती है और ब्लॉक कर देती है, इग्नोर करने लगती है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। इसका मुआवजा इसको कौन देगा, इसका प्यार इसको वापस कौन देगा? ये चीज है, उससे इतना प्यार है कि आज उसका मतलब कि नाम तक मेरे छाते पे लिखा हुआ है, वो भी कि जब तक शरीर रहेगा तब तक उसका नाम रहेगा। अगर उससे प्यार ना रहता, ना ही उसके साथ पूरा लाइफ रहना रहता, तो ऐसा हम कभी भी नहीं करते। दिखाइए छाती पे क्या नाम लिख के रखे हैं आप, क्या क्या नाम उसको दिए थे आप? माही, जो कि मेरा दिया, माही नाम दिया, मेरा दिया हुआ है, और हर चीज वो यूज करती है माही के नाम से, जो कि वो मेरा नाम है ना कि उसका। और एक बचपन से माही नाम से हम बहुत प्यार करते थे, बहुत। देख लीजिए माही नाम सच में लिखा हुआ है यहाँ पे, जूम करके एक बार दिखा दो, सच में ये यहाँ पे लिखे हुए है माही, देख लीजिए आप, दिख रहा होगा। ये बताइए आप, छाती पे जो माही नाम जो आप लिखे, ये कब लिखे थे आप? 2018 में ही। 2018 में, शादी से पहले लिखे थे शादी के बाद? शादी के पहले ही। शादी आपका पहली बार कब हुआ था, जस्ट फैमिली के साथ? फैमिली के साथ तो मतलब कि 2021 में, 15 फरवरी 2021 में हुआ था, और हम लोग ऐसे 12 फरवरी 2019 में ही मंदिर में शादी किए थे। अच्छा, मंदिर में शादी करने के बाद फैमिली के मेंबर के साथ भी हुआ? हाँ। बाकायदा मुखिया के स्टाम्प वो लेटर पैड पर दर्ज भी कराया गया, ठीक है। शादी के बाद वैसा करवाए थे, शादी के बाद करवाए थे। हाँ। फिर भी वो लड़की छोड़ के चली गई? जी हाँ। मतलब कि जब जॉब लगा, जॉब के अगले दिन से आपको भूल गई हो? हाँ, उसके पहले वैसा हुआ था, बट हमेशा रोती थी मेरे पास कि हम आपके साथ रहेंगे। जब उसके घर में कुछ भी बोलता था तो वो मेरे पास फोन करके रोती थी, जो कि मेरे पास प्रूफ है। अच्छा ठीक है, एक बार आप दिखाइए इसको क्या क्या है, एक बार आप दिखाइए इसको क्या क्या प्रूफ है। फोन आपका है ना? हाँ। दिखाइए क्या क्या है। देखिए बाकायदा इनके पास प्रूफ भी है, प्रूफ से ये शादी हुआ है। ये लेटर पैड एक बार दिखा दो इनको, एक बार लेटर पैड दिखा दो मुखिया जी का। ये घोघा का लेटर पैड है, ये आप देख सकते हैं वीडियो में, क्लियर देख सकते हैं। ये देखिए लेटर पैड है, लेटर पैड पे साफ साफ दिख रहा होगा कि ये शादी एक्चुअल में शादी किए हैं, मोहर स्टाम्प के साथ है। बाकी शादी का कोई फोटो हमको आप दिखाइए, शादी का कोई फोटो दिखाई, जिसमें पता चले कि आपका शादी उसके साथ हुआ है। शादी का फोटो देख सकते हैं आप, देखिए शादी का फोटो है, जिससे साफ साफ पता चलता है कि ये जो है इस लड़की से शादी किए हैं। और कोई दूसरा फुटेज दिखाइए साथ वाला, जो पता चले कि जेन्युइन है। ये कब का फोटो है, ये कब का फोटो है? ये तलाक जब मतलब स्टाम्प पे साइन की थी उसके बाद का है, जो कि 6 दिन बाद ये खुद रो के मेरे पास आई और मिलने के लिए बुलाई भागलपुर की, आपसे मिलना है। और हम उस समय बोले इसको, हम शादी मेरा फैमिली करा रहा है, हम करेंगे, तो मतलब हमको जबरदस्ती बोल दिखने, आप यहाँ नहीं रहिएगा, आप यहाँ से जाइए। उसके बाद हम यहाँ से गए और वो खुद रोती थी कि हम मतलब फरवरी में आपके पास जाएंगे, और हमेशा हम बोलते थे ठीक है आ जाना, और वो भी मेरे पास है जो रोती थी। ये देखिए एक फुटेज और ये दिखा रहे हैं कि शादी के बाद ये तलाक भी ले ली इनसे, तलाक के बाद भी इनसे कॉल करके वीडियो कॉल पर रोती थी कि आपके साथ ही रहना है, जब साथ ही रहना तो तलाक क्यों? तलाक प्रेशर में करवाया गया था, उसका फैमिली भी उसको प्रेशर दिया था। वो खुद बोलती थी अपने मुंह से कि रात भर मेरा मम्मी पापा रोता है और पैर पकड़ के रोता है, नहीं उसके साथ नहीं रहेगी, इसके लिए वो रो रो के हमको बोलती थी वैसा। और उसके बाद सुबह में खुद वो बोली कि नहीं हम लिख दिए विनोद, फिर भी आपके पास जाएंगे, चाहे सरपंच हो या मेरा पापा, फिर भी हम आपके साथ ही रहेंगे, ऐसा वो हमेशा बोलती थी हमको। लेकिन जब से मेरिट लिस्ट आया ना, उस दिन से पहचानती तक नहीं है कहाँ कौन है कहाँ है। देख लीजिए छोटा सा एक जॉब बिहार पुलिस में ना हो गया कि ये 5-6 साल का पूरा जो इनका जर्नी रहा साथ में, और इतना उसके पीछे टाइम वेस्ट किए, पैसा खर्च किए, उसको मुकाम तक पहुंचाने का ये प्रयास किए, अब पहुंच भी गई, जॉब भी लग गया, अब फिर अचानक से छोड़ दी, इसको क्या कहते हैं अचानक से धोखा देना? अचानक से धोखा ही मिला आपको एक बार में ही? नहीं तो ऐसा कभी 6 साल के दरमियान में ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा कि 6 दिन से ज़्यादा दिन बात नहीं हुआ हो। लेकिन जॉब जब
से लगा है ना, आज से 22-25 दिन हो गया जो कि उससे एक बार भी बात नहीं हुआ, नहीं तो ये 6 साल के दरमियान 7 साल के दरमियान ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा जो कि वो मेरे से 7 दिन तक बात ना करे। हद से ज़्यादा कितना भी गुस्सा रहेगा ना, 7 दिन, इससे ज़्यादा कभी भी गुस्सा नहीं था। अच्छा रोइए नहीं, आप लोग के साथ हम हैं, ठीक है, आप लोग के साथ हम हैं, आपका आवाज़ हम जरूर बनेंगे क्योंकि आप इतना दिन से मेहनत किए हैं तो आपका निष्कर्ष कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा, ठीक है, आपके साथ हम हैं तो जरूर निकलेगा। अगर हम उसके जॉब से कोई मतलब नहीं, हम सीधा बोलते हैं बस सिर्फ जो किए है ना वो उतना सा निभा दे, जॉब का जो भी पेमेंट हो अगर चाहती हो कि हम पूरा दिन अपने फैमिली को ही दे तो वो भी कर सकती है, और हम हमेशा तैयार हैं लिखने के लिए तो लिखने के लिए भी, बट जो किए ना बस उतना सा निभा दे, उसके जॉब से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना ही उसके पैसा से पड़ता है, बट जो प्यार था सिर्फ उसको सिर्फ मिल जाए। देख लीजिए ये गरीब हैं फिर भी ये कह रहे हैं कि उसके जॉब से हमको कोई मतलब नहीं है, पेपर पे स्टाम्प पे लिखवा ले कि अपने जॉब का पैसा अपने ही फैमिली मेंबर को दे, लेकिन सिर्फ वो इनके साथ रहे, सिर्फ इनका इतना ही मांग है कि वो लड़की इनके साथ रहे क्योंकि ये सच्चा दिल से उससे प्यार किए हैं, भले वो इनसे ना करें लेकिन ये किए हैं, तभी ये उनके पैसे पे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, वो इनका कहना है कि अपना पैसा खुद इन्वेस्ट करें अपने माँ बाप को दे दे लेकिन हमारे साथ रहे, यही चीज़ ना भैया। इतना सा ही शौक है, जितना भी पैसा कमाती है जो भी उसका पेमेंट हो हर मंथ वो अपने फैमिली को दो, उसका जो भी खर्च हो ना हम देंगे अपने पेमेंट से, बस लेकिन सिर्फ वो मेरे साथ रहे। अच्छा और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अच्छा आप क्या करते हैं? हम भी मतलब प्राइवेट थॉमसन कंपनी है उसमें सुपरवाइजर है। अच्छा प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर है, आपका भी सैलरी तो कुछ ज़्यादा नहीं होगा आई थिंक, हमको लग रहा है कितना सैलरी? बस मतलब कि 25-30 हज़ार हर मंथ हमको भी मिलता है। देख लीजिए 25-30 हज़ार हर मंथ सैलरी इनका है फिर भी ये उसको रखने के लिए तैयार हैं, और वो लड़की सिर्फ चंद पैसों के लिए इनको छोड़ दी, चंद एक जॉब जो लग गया ना, जॉब के पीछे जो क्रेडिट है वो पूरा क्रेडिट इनके पास जाता है, बाकी उस जॉब के लिए हम जितना किए होंगे ना उसका मम्मी पापा भी नहीं किया होगा, सिर्फ उसको एहसास इस चीज़ का नहीं है, जिस दिन एहसास होगा उस खुद रोएगी, इतना तो विश्वास है मेरे प्यार पे भी। कोई बात नहीं, आप लोग के साथ हम खड़े हैं और पक्का हमको विश्वास है कि अगर वो समझे तो आपके पास ज़रूर आएगी, और बाकी वो जो लड़की है, लड़की का कोई भी राय हो या फिर कोई पक्ष हो तो वो हमारे पास आके रख सकती है कि इन्होंने जो भी कहा है हमको लगता है कि सच कहें, आप जो भी कहें जितना कुछ कहें ना अगर उसमें 1% गलत हो ना वो जो बोलेगी हम उसके लिए वो करेंगे, बट जितना भी कुछ बोले ना अपने दिल का बोले, जितना भी था A to Z सही है, ना कि एक पे बात उसमें गलत है, जो किए हम उस बस वही हम अपना शेयर किए दूसरे से, देख लीजिए हमको मिले अपना प्यार। देख लीजिए ये बात कहीं ना कहीं पूरा सच है, अगर वो लड़की दिल से इसके साथ रहना चाहती है तो प्लीज इनसे एक बार आके बात करें, और जो भी अपना बात करने के बाद अगर रहने का मन हो या फिर जो भी इनसे दिल का बात जो भी प्रॉब्लम हो इनसे एक बार शेयर करें और अपना लाइफ को सेट कर लें साथ में, ताकि ये भी आपको दिल से रखना चाहते हैं, इतना कुछ होने के बाद भी अभी भी आपको रखना चाहते हैं तो आपको भी हमको लगता है कि साथ में रहना चाहिए, इससे ज़्यादा बेटर लाइफ पार्टनर आपको और नहीं मिल सकता है, इनके साथ ही आपको रहना चाहिए, ठीक है। बाकी कैसा लगा हमारा प्रयास आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, धन्यवाद देखने के लिए।